आज मैं आपकी एक एक्सेल की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। उस एक्सेल की सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करती जाऊँगी वन बाई वन। इवन अगर आप लोग को भी कुछ नया एक्सेल के बारे में जानना हो या फिर कोई चीज़ जो आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। मुझे जो जो चीज़ें लगनी है इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें मैं वन बाई वन आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। कुछ एक्सेल के फॉर्मूले शेयर करूँगी, कुछ एक्सेल के अलग अलग फंक्शंस या फिर कुछ उस पर इम्प्लीमेंट क्या करते हैं, किस तरीके से एक्सेल को वर्क करते हैं और अपने काम को आप बहुत ईजी कर देते हैं। स्पेशली मैं ऑफिस को ध्यान में रखते हुए चीज़ें वन बाई वन स्टेप्स बता रही हूँ। अगर आप लोग को भी कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स भी चाहिए तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में डाल के। फ्रेंड्स, अभी जो मेरा आज सबसे पहला सीरीज में जो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं आपको टेक्स्ट जो होता है उस टेक्स्ट का, उसको कैपिटल कैसे करते हैं, उसको स्मॉल कैसे करते हैं, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे रखते हैं, या फिर उसके अगर लेफ्ट कैरेक्टर्स चाहिए, राइट कैरेक्टर्स चाहिए, ये सब चीज़ों पे कैसे आप इम्प्लीमेंट करके फॉर्मूले लगा के जरा देर में इस पर वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करें चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं एक्सेल शीट पे आ गई हूँ। उस एक्सेल शीट पे मैंने कुछ बच्चों के नाम डाल दिए हैं, साथ ही साथ मैं इन जिन जिन फॉर्मूलों पे वर्क करने जा रही हूँ उनके बारे में लिखा हुआ है, अपर लोअर प्रॉपर लेफ्ट राइट। तो मैं वन बाय वन स्टार्ट करती हूँ कि इस पे आपका कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्सेल में जब भी हम फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं तो वो हम इक्वल टू के साइन से ही स्टार्ट करते। तो सबसे पहले मैंने इक्वल टू साइन लगाया, अपर लिखा, और उसके बाद जो मेरा सेल था जहाँ पे लिखा हुआ था तारा सिंह, उसको मैंने सिलेक्ट करके बंद कर दिया और ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि वो कैपिटल में, चलिए वो तो कैपिटल में था ही, लेकिन नीचे अगर मैंने उसको ड्रैग करा है तो देखिए सारे के सारी चीज़ें कैपिटल में ही आ गई। पहले देखिए बीच में कुछ आपके जयचंद ये सब स्मॉल में था, लेकिन अब सारे कैपिटल में दिख रहे हैं। अब मैं लोअर पर वही फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, लोअर लिख के सेल सिलेक्ट कर रही हूँ। तारा सिंह तो देखिए अब वो पूरा स्मॉल में ही आ रहा है, सब कुछ स्मॉल में, कोई हमने कुछ टफ नहीं लगाया है, ऊपर आप फॉर्मूला देख ही रहे हैं। इसके बाद अब हम इसी तरीके से आपका जो थर्ड है उसका नाम है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि हम फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे, बाकी सब स्मॉल करेंगे, हर वर्ड का पहला लेटर। तो आपके यहाँ पे दो हैं तारा सिंह, तो तारा का टी और सिंह का एस कैपिटल हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं नीचे ड्रैग करूँगी तो सभी का पहला लेटर कैपिटल रहेगा वर्ड का, बाकी सारे स्मॉल, एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से बहुत बार कभी कभी हमें सिलेक्ट करने के होते हैं कि लास्ट के चार वर्ड्स आ जाए या फिर स्टार्टिंग के चार वर्ड्स आ जाए या फिर दो वर्ड्स आ जाए। तो उस तरीके से अगर आपको जो भी वर्ड लेना है तो उसके लिए देखिए मैंने लेफ्ट लगा के जो सेल उसके बाद नंबर डाल दीजिए 2 3, और मैंने डालने के बाद अगर मैं उसको अप्लाई करूँगी उसी तरीके से राइट करूँगी, पहले लेफ्ट था तो लेफ्ट में टी ए आर आया था, अब राइट करूँगी तो लास्ट का एच आई एन जी कुछ इस तरीके का आपका वर्ड जितने कैपिटल और मतलब जितने हम सिलेक्ट करेंगे, ये कैपिटल स्मॉल कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड जो आप सिलेक्ट करेंगे उतने वर्ड दिखाई देगा। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग कभी कभी अपने वर्ड का पहला लेटर लेने के लिए, अगर आपको कभी कभी पहला लेटर चाहिए या फिर आखिरी सरनेम चाहिए तो उसके लिए लेफ्ट का यूज़ कर लेते हैं, जिसमें लेफ्ट जो भी सेल होता है उसको सिलेक्ट करके तारा सिंह। अब इसके बाद मैंने एक फॉर्मूला लगाया फाइंड, फाइंड में मैं स्पेस फाइंड करूँगी, तो मैंने डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स बंद करा और फिर से वही तारा सिंह को सिलेक्ट करके ब्रैकेट एक फाइंड का और एक आपका लेफ्ट का कंप्लीट करके आपका देखिए तो सबके पूरा, अब आपका मनीष का एम ए एन नहीं आ रहा है, पूरा आ रहा है, पूरा मनीष, और स्पेस जहाँ पे आएगा वहाँ के उसके आगे वाली चीज़ें नहीं आएंगी। इसी तरीके से अगर आपको लास्ट का चाहिए जैसे सिंह ही चाहिए तो सिंह के लिए मैं क्या करूँगी, राइट आपका तारा सिंह को सिलेक्ट करा, फिर फाइंड, फिर डबल कोट्स में स्पेस देके डबल कोट्स बंद कॉमा, और फिर से वही तारा सिंह सिलेक्ट करके पहले फाइंड का ब्रैकेट फिर राइट का ब्रैकेट बंद करके, अब आपका देखिए यहाँ पर लास्ट में सिंह आ गया है। और इसी तरीके से जब अगर मैं सब पे ड्रैग करूँगी तो वो आपका सब पे वही चीज़ अप्लाई हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आपको मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने सिंपली आपको बहुत ही जल्दी वाले आपको 6 फॉर्मूले बताए हैं, जिनको मैंने बहुत ही इजीली प्रेजेंट करा है, जिनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं जब भी अगर आपको कभी इस तरीके की ज़रूरत पड़ जाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर कोई नया फॉर्मूला सीखना हो तो वो भी कमेंट करिएगा। तब तक के लिए अभी के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन लव एंड पीस टू ऑल, बाय।